नमस्कार, खबर से डॉट कॉम से मैं राजेश शाह। दर्शक मित्रों, 150वीं गांधी जयंती के अवसर पर आज सूरत के गुड़गढ़ रोड पे रेमंड का 1000वां स्टोर खुला है। रेमंड कंपनी के लाइफस्टाइल के सीईओ मिस्टर संजय बहल आज हमारे साथ है। हम संजय जी को बहुत सारी रेमंड की बातें पूछेंगे। मिस्टर बहल, मुझे पहले ये जानना है कि आप लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं, तो अभी लास्ट 10 ईयर्स से इंडियन मैन की लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंज आया है? इनफैक्ट जो हम देख रहे हैं, इंडिया सबसे बड़ी दुनिया की एस्पिरेशनल इमर्जिंग एंड यंग मार्केट आज बन रही है। और जैसे जैसे आप देखेंगे इंडिया इज गेटिंग यंगर और एस्पिरेशन जो बढ़ रहा है, उससे लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप बेसिक क्लोथिंग देखें, पहले जो होता था जिसको हम बोलते थे पेंगुइन ड्रेसिंग, एक तरह से ब्लैक ग्रे ब्लू चलता था, जो हमारी जनरेशन पहनती थी। आज की यंगर जनरेशन मिक्स एंड मैच ड्रेसिंग करती है, तो आप जैकेट ले लेंगे, उसके साथ एक जीन्स पहन लेंगे, और सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई ओकेजन पे, आप ऑफिस में भी वही उसी तरह का पहनाव और रहन सहन देख रहे हैं। इंडियन कंज्यूमर काफ़ी ब्रांड्स पे और प्रीमियम ब्रांड्स पे उसकी स्पेंडिंग हमने पिछले 10 साल में देखा, काफ़ी तेज़ी गति से बढ़ रही है। तो अगर ओवरऑल इंडस्ट्री अगर आप देखें 8 से 10% ग्रोथ हो रही है, तो जो ब्रांड्स, जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं और जो खासकर फैशनेबल ब्रांड्स हैं, उनका ग्रोथ 15 से 20% हो रहा है, ऑलमोस्ट 2 times हो रहा है। दूसरा, लाइफस्टाइल में एक चेंज देखा गया कि इंडियंस आजकल काफ़ी हॉलीडे कर रहे हैं, एक्सपीरियंस पे बहुत स्पेंड कर रहे हैं। तो चाहे वो लोकल डेस्टिनेशन हो, फॉरेन डेस्टिनेशन हो, होटल्स में रहना हो, छोटी छुट्टी और बड़ी छुट्टी, अब छुट्टियों का कॉन्सेप्ट बदल गया है। अगर आप देखें हम लोग के टाइम में एक छुट्टी साल में ली जाती थी, आजकल 3 दिन का वीकेंड भी होता है तो लोग बाहर जाते हैं। तो काफ़ी चेंजेस हम देख रहे हैं लाइफस्टाइल में आ रहे हैं, पहनाव में, रहने में, खाने में, हॉलीडेज में। तो काफ़ी इवॉल्व लाइफस्टाइल हो रहा है और बड़ा ही प्रोग्रेसिव और बहुत रैपिड पेस से ये ग्रोथ हो रहा है। मिस्टर बाल, सूरत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड में फेमस है जी, लेकिन जब से GST आया है और नोटबंदी के, उसके बाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री हर वक्त ऊहापोह कर रही है स्लो डाउन बंदी का, और आपकी रेमंड ब्रांड है वो ग्रोथ कर रही है। तो मुझे ये जानना है कि ये जो सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फिर लेकिन ब्रांड नहीं है, यहाँ 4, 5 या 7 ब्रांड है, तो मुझे इंडस्ट्री वालों के लिए आप क्या मैसेज देंगे कि अगर ब्रांड डेवलपमेंट करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? देखिए, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेगा ट्रेंड जो है, ये सिर्फ नोटबंदी या GST तक ही सीमित नहीं है, मेरे हिसाब से देयर इज अ स्ट्रक्चरल करेक्शन हैपनिंग। धीरे धीरे इंडिया में क्या हो रहा है कि अनऑर्गेनाइज मार्केट से मार्केट थोड़ी ज़्यादा फॉर्मलाइज हो रही है और ऑर्गेनाइज की तरफ बढ़ रही है। दूसरा तरफ है कि जैसे इनकम्स बढ़ रही हैं इंडिया की, सबसे पहली जो कैटेगरी में जो इनकम स्पेंड होती है वो कपड़ा होती है, जो वो रहन सहन की, और वो सूरत के लिए तो खास एकदम, जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही बड़ी मार्केट है। तो मेरा यही कहना होगा कि जो चीज़ है उसको हम समझें और उसको अडेप्ट करें। अब नोटबंदी हमारे हो चुकी, GST हो चुका, और जो भी ये मार्केट्स रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, ये रियलिटी है। तो अब हमारे को सूरत एंटरप्रेनर या टेक्सटाइल प्लेयर्स की तरह उसको अडेप्ट करना होगा, बट अडेप्ट करने के हिसाब से हमें भी इवॉल्व होके प्रोडक्ट्स जो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी के हैं, फॉर्मल इकोनॉमी के हैं, और ब्रांड्स और प्रीमियम प्रोडक्ट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मिस्टर बाल, आप पहले रेमंड शर्ट्स में या उसमें ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन अभी हमने देखा कि बहुत सारी मेंस रिलेटेड जो प्रोडक्ट है आप उसमें फोकस कर रहे हैं, तो आप मेंस के लिए क्या अभी है और आप मेंस के लिए और क्या लाने वाले हैं? हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो है शेयर ऑफ वार्डरोब स्ट्रैटेजी। जैसे आपके घर में एक वार्डरोब है, उसमें पहले हम सिर्फ सूट का कपड़ा थे या ट्राउज़र का कपड़ा होते थे, फिर हमने 5 साल पहले शर्टिंग फैब्रिक एक इंट्रोड्यूस किया, और उसमें हमने काफ़ी सिर्फ फॉर्मल ही नहीं बट कैजुअल शर्ट, प्रिंट शर्ट्स को ऐड किया। अब पिछले अगर आप 2-3 साल में देखें तो हमने काफ़ी रेंज बढ़ाया, एथनिक वेयर, आपका कुर्ता, बंडी, शेरवानी, बंद गला, वो सब ऐड किया, मोजड़ी सब ऐड किया, और अब लेदर वेयर ऐड कर रहे हैं हम। अगर आप देखें तो आपके वार्डरोब सबसे पहले हमें देखना है कि उसमें करीब करीब एक इंडियन मेंस वेयर में करीब 100 आइटम थे। अगर आप सब ले लें, शर्ट ले लें, पैंट ले लें, बनियान ले लें, कोट ले लें, जूता ले लें, बेल्ट ले लें, तो करीब करीब 100 होती हैं। उसमें हम चाहते हैं कि उसका हिस्सा, अगर आज हमारा 5 है 100, तो वो 5 को हम कैसे बढ़ाएं, उसके लिए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने पड़ेंगे, नए तरह की मार्केट में जाना पड़ेगा, नई तरह की प्राइसिंग चाहिए होगी। यही हमारी स्ट्रैटेजी है और इसी तरफ हम बढ़ रहे हैं। मिस्टर संजय बाल, मैं आपको लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि आज गांधी जी की 150वीं जयंती है, तो क्या खादी का यूज़ रेमंड करते हैं या आगे कुछ प्लान है खादी का?
इनफैक्ट मैंने जो ये पहना हुआ है आज, ये मैं पूरा का पूरा खादी है, रेमंड का खादी है, 100% रेमंड खादी है, और बहुत ही पावन दिवस है आज, गांधी जी की 150वीं जयंती है, हमारा 1000वां स्टोर आज लॉन्च हो रहा है। रेमंड ने करीब 2 साल पहले खादी विलेज ग्रामोद्योग जो कमीशन है उसके साथ हमारा पार्टनरशिप हुआ था, हमारी पहली प्राइवेट ब्रांड कंपनी थी जिन्होंने पार्टनरशिप करके, करीब 200 क्लस्टर्स हैं जहाँ की करीब 30 लाख घंटों का काम हमने एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट किया, और काफ़ी वहाँ से हमने खादी लेके उसको टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करके, डिज़ाइन अपग्रेड करके, गारमेंट करके मार्केट में डाला है। इनफैक्ट अभी हमारे 2 ऐसे स्टोर हैं पिछले 1 साल में जो हमने लॉन्च किए हैं, इनफैक्ट पिछले 6 महीने में बॉम्बे में, जो सिर्फ खादी का काम करते हैं, जिसका रेमंड खादी, एक काला घोड़ा बॉम्बे में और दूसरा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो अब आगे जाके हमारा काफ़ी इन्वेस्टमेंट खादी की तरफ रहेगा और हम इस मूवमेंट को आगे लेके जाएं, सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश में भी आगे लेके जाएं। सर, खादी में फैशन डेवलपमेंट का चांस है, यानी खादी में बहुत सारी फैशन नहीं होती है, तो क्या उसमें अगर फैशन में डेवलपमेंट करे तो खादी का भी ग्रोथ हो सकता है? मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा जो इम्प्रूवमेंट खादी में होना है वो है डिज़ाइन में और क्वालिटी में। राइट, तो आप जो बता रहे डिज़ाइन, वो फैशन की बात हो गई, फिट की बात हो गई, और क्वालिटी, जो बेसिक क्वालिटी जो हम ऑफर करते हैं, और अगर हम ऐसा करें तो सिर्फ भारत ही उसकी मार्केट नहीं बट पूरा विश्व एक मार्केट बन सकता है खादी के लिए। अच्छा क्वालिटी, डिज़ाइन और फैशनेबल खादी पूरे विश्व उसकी मार्केट बन सकती है, ऐसा मेरा मानना है। दर्शक मित्रों, आज हमारे साथ रेमंड के CEO थे मिस्टर संजय बहल। आपने देखा कितनी अच्छी तरह से और बहुत ही प्रेजेंटेबल वो बात कर रहे थे। मिस्टर बहल, थैंक यू वेरी मच खबर से। डॉक्टर, थैंक यू।